गोवर्धन थाना क्षेत्र के नीम गांव में उस समय बड़ा हादसा हो गया जब विधायक निधि से बने हुए यात्री सैद के नीचे बैठे हुए लोगों पर यात्री सैद की छत अचानक गिर पड़ी, जिसके नीचे दबकर एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई तथा एक महिला सहित तीन लोग घायल हो गए। एक व्यक्ति के पैर में भी अधिक चोट आई है। वहीं कुछ ग्रामीण मृतक के परिजनों को सरकार द्वारा सहायता दिलाने की मांग भी करने लगे। भीड़ को उग्र होता हुआ देख सकल के सभी थानों का फोर्स को मौके पर बुला लिया गया। साथ ही मौके पर पहुंचे तहसीलदार पवन प्रकाश पाठक और क्षेत्राधिकारी गोवर्धन जितेंद्र कुमार सिंह ने ग्रामीणों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया, जिसके बाद भीड़ ने सड़क पर रखे शव को उठाने दिया। थाना गोवर्धन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को चिकित्सा के लिए अस्पताल भिजवाया तथा मृतक की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आपको बता दें, नीम गांव चौराहे पर क्षतिग्रस्त यात्री सैद लगभग 10 वर्ष पूर्व विधायक पूरन प्रकाश द्वारा विधायक निधि से बनवाया गया था। वही गाँव के कुछ ग्रामीणों का आरोप था कि यात्री सैद को बनाने में कहीं ना कहीं अनियमितताएं बरती गई है, जिससे कि कुछ ही वर्षों में यह जर्जर स्थिति में आकर गिर गया और यह हादसा हो गया। गौर करने वाली बात यह है कि सीमेंटेड यात्री सैद होने के बावजूद तथा मात्र कुछ ही वर्ष पुराना होने के बाद भी अचानक इतनी जल्दी कैसे क्षतिग्रस्त हो गया और इसमें कहां लापरवाही रही है और क्या प्रशासन इसमें लापरवाही बरतने वाले विभागीय लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लेगा। अभी दो तो गंभीर हैं, एक की मौत हो गई मौके पर। कैसे, क्या घटना? सरकारी छत्री है, इसलिए पानी का निकासी नहीं गाँव के अंदर, जल भराव है। जो पुलिया डरी हुई है वे अपनी अपनी प्लॉटन पर कब्जा करके पुलिया रोक रखी है। गांव के अंदर पानी घुस गया है। तो वो छत कैसे गिर गई? वो छत बारिश की वजह से गिरी। यही इसकी जो दीवार थी वो जर्जर हो गई काफी समय से, जिसकी तरफ किसी ने ध्यान भी नहीं दिया है। ये आज से कम 10 साल पहले पूर्ण प्रकाश विधायक ने बनवाया था। इसकी दीवार जो क्या था, ये कोई ये पूर्ण प्रकाश ने आवास के लिए, यात्रियों के आवास के लिए बनवाया था। यात्री स्टैंड था आज ये गिराया तो इसमें उसकी जो खम्भे थे वो जर्जर हो चुके थे। किसी भी प्रशासन ने इसकी तरफ ये छत्री की बस स्टैंड वाली ये गिरी है, इसके नीचे दबके हमारी चाचाजी मर गए। खत्म हो चुके हैं। और कितने लोग थे साथ में? ये दो लोग और थे बता रहे हैं, लेकिन मैं तो यहाँ था नहीं। ये घटना यहाँ पर बैठे हुए थे दो तीन लोग, और ये सेंटर से बना हुआ था। ये हमारे विधायक पूरन प्रकाश विधायक जी थे, उन्होंने बनवाया था 2007 में करीब। अच्छा, गिरा कैसे है? अब ये तो पता नहीं कैसे गिरा है। इसका कारण ये रहा बताया गया है कि वर्षा ग्रह है, उसकी जो बारिश हुई है, बारिश की वजह से उसकी छत कमजोर हो गई, जर्जर हो गई और वो अचानक गिर गई। और छत के नीचे पांच लोग थे, उसमें एक व्यक्ति खेमचंद पुत्र का निवासी नहीं होगा, उनकी मृत्यु हो गई मौके पर। चार अन्य लोग जिसमें एक महिला है वो घायल हो गए। ये बस स्टैंड की जगह थी जो जिसके अंदर विश्राम गृह टाइप एक छतरी बनी हुई है, जिसके नीचे लोग बैठते थे। बारिश के पानी की वजह से आज ढह गई। शाम चार बजे के आसपास की घटना है, जिसमें ये खेमचंद नाम का व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तुलसी नाम का एक वृद्ध व्यक्ति है जो गंभीर घायल है। बाकी तीन लोग भी जो है हॉस्पिटल घायल है, हॉस्पिटल भेज दिए गए, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आप देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोवर्धन के तहसील के नीम गांव में 2007 में तत्कालीन विधायक माननीय पूरन प्रकाश जी के विधायक निधि से एक यात्री शेड का निर्माण हुआ था। आज बरसात हो रही थी, गांव के कुछ लोग उस यात्री शेड में खड़े थे, अचानक गिरने के कारण एक व्यक्ति की मौके पर डेथ हुई और चार लोग घायल थे, लेकिन एक गंभीर रूप से घायल की मृत्यु और जिला अस्पताल में हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना का संज्ञान लिया है, मृतकों के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। साथ ही साथ उन्होंने मृतक परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता देने के भी निर्देश दिए हैं। मृतकों को एक्स ग्रेसिया की 4 लाख की धनराशि हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, घायलों के इलाज की पूरी व्यवस्था और उनको भी अनुमन्य सहायता राशि हम लोग दे रहे हैं। पूरे घटना की जांच क्रम के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट को आदेशित कर दिया है कि वो तत्काल जांच करके समस्त तथ्यों की जानकारी और जांच आख्या अपनी प्रस्तुत करें।